नमस्कार दोस्तों, राज यूट्यूब चैनल में आप लोगों का दोस्तों स्वागत है। तो दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल में सब भाइयों का स्वागत है। तो दोस्तों ये मेरे पास मोटर आई है 12.5 HP जो टेक्समुक है, तो दोस्तों ये भी 15 दिन चला है, तो 15 दिन में दोस्तों खराब हो गया है। तो दोस्तों इसको चेक करते हैं इसमें क्या दिक्कत हुआ है, क्या फॉल्ट हुआ है। तो दोस्तों इसकी रिपेयरिंग करने के लिए मोटर मेरे पास आया हुआ है, तो दोस्तों इसको खोलते हैं और फिर आगे बताते हैं। तो दोस्तों ये मोटर चेक कैसे करते हैं या टेस्ट कैसे करते हैं, तो दोस्तों मैं बताता हूँ। तो दोस्तों इसकी दो केबल है, तो मैं केबल बता रहा हूँ आपको, तो आप ये देख सकते हो ये स्टार डेल्टा में इसका कनेक्शन है और दो केबल की मोटर है। तो दोस्तों सबसे पहले इसके कलर वाइज कलर चेंज करते हैं मीटर से। तो दोस्तों आपको दिख रहा होगा ये मीटर है और दोस्तों ये मोटर है, इस मोटर की ये केबल है। दोस्तों सबसे पहले इसको करते हैं, ये जो अपना पीला कलर है लाल में लगाते हैं। दोस्तों सबसे पहले चेक करते हैं मोटर को, तो सबसे पहले दोस्तों आसमानी में चेक करते हैं। तो दोस्तों मीटर से बता रहा है, तो दोस्तों आसमानी में आसमानी दोस्तों बता रहा है, अब आसमानी इसमें दोस्तों पीले में लाल में और लाल चेक करते हैं। तो दोस्तों लाल में लाल बता रहा है और दोस्तों पीले में चेक करते हैं, तो पीला ही फुल बता रहा है। और दोस्तों पीले से अपन करते हैं लाल में, तो दोस्तों पीले में लाल नहीं बताना चाहिए बता रहा है, तो मोटर का कंफर्म फॉल्ट है। और दोस्तों आसमानी बता रहा है और दोस्तों पीला ही बता रहा है। तो दोस्तों बॉडी चेक करते हैं, तो बॉडी भी दोस्तों इस तरीके से आप बॉडी चेक कर सकते हो इस तरीके से। तो दोस्तों ये बॉडी भी बता रहा है फुल। दोस्तों ये मोटर कन्फर्म मोटर जली हुई है या मोटर केबल फॉल्ट है। तो दोस्तों आगे खुलाते हैं मोटर की, खुलाने के बाद में दोस्तों आगे बताएंगे क्या फॉल्ट है इसमें। 12.5 HP मोटर है टेक्समुक, आप इसका नाम देख सकते हो, ये टेक्समुक है 12.5 HP। और दोस्तों ये इसका सीरियल नंबर है, तो आप दोस्तों सीरियल नंबर भी देख सकते हो। इसका स्टिकर वगैरह तो उतर गया, अभी 15 दिन ही पुराना है दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले खोलने के लिए आपको 4 नट दिए हुए हैं। दोस्तों ये आपको नट नहीं खोलने हैं, ये 4 नट ये नहीं खोलने का दोस्तों, एक ये नट आपको खोलने लगा है, जो 1 2 3 4 ये 4 नट है। तो सबसे पहले दोस्तों ये नट खोलेंगे, इसमें 17 का पाना लगेगा। तो 17 के पाने से दोस्तों मैं खुलाता हूँ और मैं आगे बताता हूँ आपको क्या करना है आपको। तो दोस्तों ये कंप्लीट नट चारों खुल गए हैं। और दोस्तों खुलने के बाद में दोस्तों इसको इस पर आपको प्लास्टिक की हैमर की चोट मारना है। दोस्तों यहाँ आपको चोट इधर नहीं मारने का है, यहाँ आपको यहाँ चोट मारने का है, नहीं तो ये दोस्तों यहाँ से टूट जाएगा, यहाँ से ये झड़ जाएगा, यहाँ से आप देख सकते हो इसमें इतना खड्डा आता है। तो दोस्तों यहाँ चोट मारोगे तो अलग हो जाएगा, तो आपको यहाँ इधर यहाँ पेस पर चोट मारने का है इस पर। तो दोस्तों बता देते हैं चोट मार के, दोस्तों आप देख सकते हो ये अलग हो गया इस तरीके से, दोस्तों ये अलग हो जाता है। और दोस्तों ये 10 प्लेट है और अभी इसमें कंपनी का 10 प्लेट लगा हुआ है। फिर दोस्तों इसमें आपको एक लॉक मिलेगा, ये दिख रहा है लॉक, जो अपने लॉक क्लास के सारे से ये दोस्तों निकलेगा, ये लॉक है, ये लॉक क्लास से निकलेगा। आपको लॉक इस तरीके से निकाल लेना है और निकालने के बाद में दोस्तों ये लॉक निकल गया, बाहर आप देख सकते हो इसको, ये लॉक आ गया है। तो लॉक आने के बाद दोस्तों आपको 10 प्लेट बाहर निकल जाएगी, इस तरीके से आपको निकाल लेना है टेस्टर के सारे से, तो टेस्टर डाल के निकाल लेना है आपको। तो दोस्तों आपको इस तरीके से सपोर्ट लगाना है पीछे, और दोस्तों ये झड़ने का भी बहुत अच्छा कार्बन प्लेट है, तो इसको दोस्तों ये गिरने पर दोस्तों ये झड़ जाती है, तो इसको विशेष तो ध्यान रखना है। तो दोस्तों इस तरीके से बाहर जाती है, हाथ से खेत लेना आपको। तो दोस्तों ये बाहर आ गया, इसमें दोस्तों एक चाबी मिलेगी आपको, दोस्तों ये चाबी है ये भी इसमें लगती है। तो दोस्तों इसका 25 का बोर्ड रहता है प्लेट का। तो दोस्तों ये आगे पीछे आगे आपको चोट मारने पर, दोस्तों मैं इधर दिखा देता हूँ आपको, आप देख सकते हो इसमें एक चाबी लगी हुई है, कटोर लगी हुई है। दोस्तों इस पर आप चोट मारोगे हेमर की, प्लास्टिक के हेमर की चोट मारना है। तो दोस्तों हेमर चोट मारने पर दोस्तों ये हाउसिंग अपने आप इधर बाहर आ जाएगा। तो दोस्तों इधर से चोट मारोगे तो इधर ये इधर खुल जाएगा। तो दोस्तों एक बार निकाल लेते हैं, इसमें 4 T-बत्ती मिलती है और ये मोटर मिलेगी आपको, ऐसे हाउसिंग मिलेंगे जिसमें अभी कंपनी के बूस लगे हुए हैं, ब्रांस पीतल के बूस है दोस्तों। और ये इसका प्लेट सेट है, और ये दोस्तों इस कंपनी की जैसे आप देख रहे हो ये वायरिंग की हुई है इसकी। तो दोस्तों सबसे पहले वायरिंग चेक करते हैं, फिर आगे से इसको खुलाते हैं। तो दोस्तों मोटर इसमें रहने देते हैं और आगे से खोलते हैं। तो दोस्तों ये जाली है इसकी, तो जाली के 2 नट खोल लेते हैं, किसी ने ये उल्टी पहले से सही लगाई भी नहीं है, फिर भी अपने को तो ये जाली खोलने का है। दोस्तों ये जाली है, इसकी जाली के 2 स्क्रू है वो खोलते हैं। तो दोस्तों आपको दिख रहा होगा ये नट जो 17 नंबर पानी के वही नट है, इसमें ऐसे आपको 4 नट मिलेंगे चारों साइड में। तो दोस्तों आप ये 4 नट खोलना है, ये 4 इधर भी है और एक नीचे भी है। तो दोस्तों सबसे पहले 4 नट खोलना है, खोलने के बाद में दोस्तों आपको बताएंगे आगे क्या करना है। तो सबसे पहले 4 नट खुलवा देता हूँ मैं। दोस्तों इस तरीके से नट पूरे आपको खोल लेना है, मैंने 4 नट खोल लिए इसके, और 4 ये स्टील की पीतल की टेरों में दोस्तों स्टील का आता है, इसमें पीतल के नट दिए हुए हैं, तो टेक्स में शुरू से पीतल आ रहा है। दोस्तों ये नट पूरे कंप्लीट हो रहे हैं। दोस्तों आपको हल्के हेमर से चोट मार लेना है, दोस्तों मेरे पास में हेमर है, ज़्यादा हेवी चोट नहीं मारना है, हल्का हल्के हाथ से चोट मारना है आपको।
तो दोस्तों इस तरीके से चोट मारने पर दोस्तों ये कपलिंग मिलेगी आपको और इसमें कपलिंग में चाबी मिलेगी। तो चाबी दोस्तों रोटर में लगी हुई है और दोस्तों ये केबल इस तरीके से दोस्तों बाहर आ जाएगी। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये हाउसिंग नीचे आ गया, इसका कनेक्शन पीस बोलते हैं इसको, और दोस्तों ये इधर आ गया। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये मोटर है, तो इस कैसे खुलेगी। दोस्तों सबसे पहले आपको इसकी चार रिंगें दी हुई है और एक कबर एक रबर का वासर दिया हुआ है। तो इसमें दो केबल के गुटके हैं, मैं बता देता हूँ। इसमें दो आपको केबल गुटके निकालना है, यहाँ से मेरे कैमरे में आ रहा नहीं है, मैं थोड़ा फोकस करता हूँ। ये रहा एक गुटके हैं, दो इधर है और दोस्तों इसमें चार रिंगें दी हुई है। तो सबसे पहले रिंग निकाल देना आपको। तो दोस्तों आप देख सकते हो इस तरीके से केबल गुटका है, ये बाहर आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको प्लास्टिक की हेमर ही मारना है, यानी लोहे का हेमर नहीं यूज में लेना है, ओनली पूरी मोटर में प्लास्टिक का हेमर लेना है। हेमर लेने से दोस्तों ये अपने आप यहाँ से आपको अलग होने लग जाएगा। तो दोस्तों ऐसे हेमर मारना है, हेमर मारने से दोस्तों ये यहाँ से जगह हो जाएगी और ये आगे का दो कनेक्शन पीस है ये अलग हो जाएगा। तो दोस्तों आप देख रहे हो ये मिस्त्री हेमर मारा है इसमें, दोस्तों ये अलग हो गया आप देख सकते हो। इसमें बताएंगे दोस्तों मोटर जली हुई है क्या है। तो रोटर आपको दोस्तों पीछे सरका देना है, इसमें हेमर की तोड़ रोटर को इधर काट लेना है आपको, तो ये आ जाएगा आगे। तो दोस्तों ये रोटर है इसका, तो रोटर बिल्कुल आपको ध्यान से रखना है कि रोटर को ये जो अपनी वायरिंग है तो इस वायरिंग के टच ना हो। तो दोस्तों ये रोटर को आपको अच्छी तरह से खींच के बाहर निकाल लेना है, ज्यादातर ये वायर टच हो जाते हैं वायर रोटर बाहर काटने पर। तो आपको दोस्तों ये विशेष तौर से ध्यान रखना है रोटर का काटते वक्त कि वायर के टच ना हो जाए। टच होने पर दोस्तों यहाँ से आपको दिख रहा है यहाँ से ये वायर कट हो जाएगा और ये वायर पिंचर होने लग जाएगा वायर, तो आपको दोस्तों बड़ा घाटा या मुश्किल हो जाएगी। तो दोस्तों ये है, तो ये मोटर आगे से बताते हैं, पीछे से दोस्तों ओके दिख रहा है, आगे से बताते हैं आपको। तो दोस्तों ये मोटर है आप देख सकते हो, तो दोस्तों ये मोटर की वायरिंग है तो मेरे को दिख रहा है, मैं आपको नजदीक से कैमरा में दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये मोटर जल गई है आप देख सकते हो। दोस्तों आप देख सकते हो इस तरीके से दोस्तों ये वायरिंग छिपा हुआ है और दोस्तों अच्छी तरह से फॉल्ट हो गया है दोस्तों। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये वायरिंग अभी दोस्तों नया मोटर वायरिंग किया हुआ है ये, और ये बिल्कुल दोस्तों 10 दिन नहीं चला है, 10 दिन में दोस्तों ऐसी हालत हो गई है दोस्तों वायरिंग की। ये आप देख सकते हो इसकी वायरिंग बिल्कुल पूरी तरह से दोस्तों एक इसकी सर्किट है, ये कैसे जला पता नहीं है दोस्तों इसका, इतनी बुरी हालत हो गई है दोस्तों। एक वायरिंग जल गया दोस्तों पूरी मोटर में, ये कैसा हो गया, केप ऐसा हटाते थे, ये जली हुई वायरिंग है ये बाहर कैसे निकलेगी। तो दोस्तों ये अभी इसके पूरे मोटर के वायर बाहर निकालना है, तो बाहर निकालने के बाद में दोस्तों बताएंगे आपको ये वायर बाहर कैसे निकलेगी। तो मेरे वीडियो पर आप बनी रहिए, तो दोस्तों मैं इसकी वायरिंग बाहर निकलवाता हूँ। और दोस्तों ये कंप्लीट खाली करते हैं इसकी वायरिंग, दोस्तों सबसे पहले इसकी वायरिंग कटर से काटते हैं। दोस्तों मेरे पास में ये कटर है, मैंने पूरी स्टिक इसकी जो खाफ्टी थी वो स्टिक बाहर निकाल ली है, और दोस्तों इसमें भी कंपनी की स्टिक है प्लास्टिक की है। तो दोस्तों ये वायर की ऐसी वायर निकल जाएगा दोस्तों, तो नई मोटर है इसमें ज़्यादा काटने की आवश्यकता नहीं है, अपने खेल के बाहर निकाल लेंगे। प्रेस मोटर है, 15-20 दिन चला हुआ है। तो दोस्तों स्टिक निकालने के बाद में ये वायर ऐसे ही बाहर आ जाएंगे, बिना आप बिल्कुल सही सलामत वायर काट सकते हो। तो दोस्तों ये वायर है, आप एक एक कोयल को पीच पीच के इसे दबा दबा के आप इसको वायर को काट सकते हो। इसके एक नंबर अभी ओके है दोस्तों स्लॉट। तो दोस्तों मैं अच्छी तरह से इसमें खींचते ही दोस्तों बाहर आ जाएगी। सबसे पहले दोस्तों आपको स्टिक काटना, दोस्तों ये वायरिंग पूरी बाहर खाली हो गई है मोटर, इसकी पूरी वायरिंग हमें बाहर निकाली है। तो दोस्तों इस तरीके से मोटर की वायरिंग बाहर निकलती है, तो दोस्तों ये मोटर की वायरिंग हमने निकाली है। अब दोस्तों इसमें मोटर को सफाई कर देते हैं, इसके स्लॉट पेपर डाल लेते हैं और दोस्तों नया स्लॉट पेपर डाल के आगे बताएंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये मोटर कंप्लीट है अभी। तो दोस्तों अभी इसकी वायरिंग कैसे होती है, तो दोस्तों वायरिंग के बारे में बताया जाएगा अगला वीडियो, वायरिंग के बारे में।